विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता चला जा रहा है, बस वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में इलेक्शन से पहले एक अलग ही मामला देखने को मिला है। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में समाज सेवी दीपक चौधरी की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी सरिता चौधरी ने कमान संभाल ली है। सरिता चौधरी के घर सैकड़ों बाइकें और कारों के काफिले एकत्रित हुए। उसके बाद उन्होंने पुतली घर से कुंदनपुर, ढक्का, एकता कॉलोनी, RTO, कोहिनूर तिराहा होते हुए गली नंबर 1 हाजी यूसुफ अंसारी पूर्व विधायक के आवास पर पहुंचे, जहां सरिता चौधरी और सभी समर्थकों का पूर्व विधायकों द्वारा पुरजोर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए सरिता चौधरी ने कहा कि मेरे मृतक पति की यह इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी से विधायक टिकट के उम्मीदवार हाजी यूसुफ अंसारी को इलेक्शन में विजयी बनाया जाए, लेकिन अब वह नहीं रहे। आज मैंने सब लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है कि उनका नाम आगे हो और उनकी जो इच्छा थी वह पूरी हो सके। यदि हाजी यूसुफ अंसारी का टिकट होता है तो हम सब लोग उनके साथ हैं और उनको पूरा समर्थन करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सरिता चौधरी। अच्छा, बताइए किस लिए आज आपने रैली निकाल कर कहाँ जा रहे हैं और किस लिए? ये हम यूसुफ अंसारी के यहाँ पर जा रहे हैं और ये जो भी तैयारी है सिर्फ मेरे हस्बैंड की तैयारी थी, सिर्फ उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए ये मैंने सब कुछ सब लोगों को इकट्ठा किया है, इसलिए ताकि उनका नाम आगे हो। और जिस लिए सब लोग खड़े हैं उसी मतलब अपनी इच्छा, सब अपनी अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जैसा भी कुछ होता है हम हाजी यूसुफ अंसारी के लिए खड़े हैं, आज उन्हें ही जिताएंगे। अगर उनका पूरा समर्थन है इस इलेक्शन में तो हम उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्हें अगर टिकट होता है तो आप उनके साथ ही हैं? अगर उनका टिकट होता है तो हम सब लोग उनके साथ ही हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सिर्फ हाजी यूसुफ के समर्थक हैं या फिर समाजवादी के समर्थक? हाजी यूसुफ अंसारी के। कोई मैसेज कन्वे करना, कोई संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? संदेश तो सर कुछ नहीं है, सिर्फ संदेश यही है हम जिस मतलब से यहाँ पर खड़े हुए हैं सिर्फ एक वो ही है हमारे लिए, जो भी कुछ हैं सिर्फ हाजी यूसुफ अंसारी हैं। और उनके मेरे हस्बैंड दीपक मंत्री की यही इच्छा थी कि हम इन्हें इलेक्शन लड़ाएं और इन्हें जिताएं, सिर्फ यही उसी मकसद के लिए सब खड़े हैं यहाँ पर। आज उन्हीं के काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं? जी, हम सब से निवेदन यही है कि उनके काम को आगे बढ़ाएं, उनके नाम को आगे बढ़ाएं। ये नहीं है कि आज वो नहीं है तो उनका नाम आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ उनका नाम दब जाएगा। नहीं, शहर में उनका नाम जैसा था वैसा ही रहेगा।